Hey guys, assalamu alaikum and welcome back with my new vlog. ये एरिया जो आप देख रहे हो कार पार्किंग के लिए मिल नहीं रही, तो मैंने अपनी कार यहाँ पे पार्क करी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वक्त मैं उत्तराखंड कलियर शरीफ के पास आया हुआ हूँ। हमारा प्लान था मेरे और मेरे फ्रेंड का, जैसे हमारा एग्जाम खत्म होगा हम लोग जाएंगे आउट ऑफ दिल्ली घूमने के लिए। तो मुझे सबसे बेस्ट यही जगह लगी। और आज का व्लॉग जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बस घूमूंगा, क्योंकि एग्जाम तो खत्म हो गया, टेंशन फ्री हो चुका हूँ मैं। जो अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं कलियर शरीफ से कर रहा हूँ। पीछे इस साइड आप देख सकते हो वो दरगाह है। अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजे, मतलब दिल्ली से 3 बजे निकल गए थे, तो यहाँ पे आने में मतलब 3-4 घंटे लग गए। आराम से आए हम लोग, का फाइनली पेपर खत्म हो गए, टेंशन फ्री हो गए, हम लोग निकल ले घूमने के लिए। तो अभी आगे का जो सफर रहेगा मैं आप लोगों के साथ हर चीज शेयर करूंगा, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, आप लोगों को आएगा। तो चल के मैं सबसे पहले आप लोगों को कराता हूँ जियारत कलियर शरीफ की। ये है सामने का एकदम, ये दरगाह के सामने का रोड है, जस्ट वो आपको कलियर शरीफ के दरगाह दिख जाएगी। और सारी शॉप्स अभी बंद ही पड़ी हैं, क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बज रहे, बट हमने पता कर लिया था तो वो भाई कह रहे हैं कि हाँ दरगाह खुली है, आप ज्यारत कर सकते हो, बिकॉज हमें जल्दी ज्यारत करके फिर यहाँ से निकलना भी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत जो अच्छे से हो गई है, यहाँ से निकलते हैं अब। ज़ियारत करना मेन था वो कर लिया है। हम लोग अभी ऋषिकेश पहुंचे और बारिश होने लगी, यहाँ ए वन हो गया मौसम, आप लोग देख सकते हो सामने दिखा भाई। भाई ऑसम, पूरी ग्रीनरी हो गई है, क्या राइम बना भाई, मौसम ऑसम, मौसम ऑसम लिटरली यार, बहुत मजा आ रहा है। मतलब हम फील कर रहे हैं इस चीज को, तो बड़ा ही मजा आ रहा है, और होप कि हमारा आगे का ट्रिप भी ऐसे ही इंजॉयबल होगा। तो चलो ठीक है, अब हम ऋषिकेश पहुंचने वाले, जस्ट 10 मिनट और लगेंगे ऋषिकेश पहुंचने में, 2 किलोमीटर दिखा रहा है करीबन। और मतलब इससे पहले भी मैं देहरादून आया हूँ, आपने शायद मेरा व्लॉग भी देखा होगा, बट इस बार बारिश जो हो गई ना, मतलब सोने पे सुहागा हो गया, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ चीज़, क्योंकि भाई यहाँ का मौसम मैं फील कर रहा हूँ, मेरे साथ जो बंदा बैठा वो फील कर रहा है, जो हवा आ रही है सामने, तो मैं रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है धीरे धीरे से, तो यार हरियाली हो गई एकदम, और बहुत ही प्यारा मौसम, पहाड़ों पर बादल जो सामने क्लियर क्लियर दिख रहे हैं, देख सकते हो यार बहुत ही ज़्यादा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मौसम मौसम हो गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो ये एरिया वही है जहाँ पहले मैं आया था, 0.5, ठीक है, नो पार्किंग साफ साफ लिखा हुआ, जुर्माना 2000 रुपए का, इसलिए हमने कार अपनी उधर पार्क कर दी। बारिश हो रही है इस वजह से फ्लो का आप देख सकते हो कितना ज्यादा हो रहा है, ये फ्लो है इसका। पहले यहाँ पे हम लोगों ने नहाया था, हम सब जितने भी लोग आए थे, हम 5-6 लोग, हमारा राफ्टिंग का पहली बार भी जब आए थे तब भी हम इसमें यहाँ राफ्टिंग नहीं कर पाए थे, बिकॉज हम वीकेंड पे आए, तो इस बार भी पानी का फ्लो इतना ज्यादा, राफ्टिंग नहीं कर पाए, यहाँ पे आना वेस्ट हो गया हमारा, ऋषिकेश आना, तो मसूरी ही निकलेंगे अब यहाँ से, हम पहले देहरादून होते तो मसूरी निकलेंगे, बट मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। भाई फ्लो माँ कसम, ये देखो, ये मतलब बंदा बह जाए इसके अंदर, इतना गंदा वाला फ्लो हो रहा है बारिश की वजह से। पहले हमने नहाया था जब यहाँ पे, इतना क्लीन क्लियर पानी था, अब ये हाल हो रहा है। अब हम तो राफ्टिंग के लिए सोच रहे थे, तो जिस ओवर फ्लो में पानी आ रहा है उसमें राफ्टिंग तो होगी नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है आज, जब वो बारिश का महीना जब तक है मेरे ख्याल से राफ्टिंग होगी नहीं, बंदी कर रखी है अभी राफ्टिंग, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं राफ्टिंग में, अब हम चलेंगे कहाँ, मसूरी, मसूरी मसूरी करेंगे एंजॉय, बट यहाँ का व्यू मैंने दिखाया आपको, ऑसम व्यू था।
ऑलराइट, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम अगेन। टाइम हो चुका है 5:30। इस वक्त है हम लोग देहरादून में। ये हमने एक रूम लिया है होटल कैलिस्टर, जहाँ आप लोगों को याद होगा मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने होटल कैलिस्टर दिखाया हुआ था, जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब हमारा कॉलेज ग्रुप आया। 3 से 4 घंटे की नींद ले ली है, थकान गंदी वाली हो गई थी यार। मतलब ऐसा था कि मुझसे कार ड्राइव नहीं हो रही थी, आंखें छपक रही थी। वैसे यार सेफ एंड साइड ड्राइव करेंगे, तो पहले देहरादून पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके हम रूम लेंगे एंड सोएंगे। साथ ने ये कैटल कॉफी यहाँ पर रखी हुई थी, इसके अंदर सब सामान रखा और तेरी पूरा फाड़ के फेंक दिया है। ठीक है, 2 कॉफी बनाने के चक्कर सब कुछ इसने तहस नहस कर दिया है। तो ये कॉफी बनाई है मैंने, बनाई है तुझे, इतना गंदा कॉफी बनाया है तुमने और मुझे बता रहा है। ठीक है, तो देख कैसी बता से इतना क्या भाई, पूरा कॉफी देखने से साला अजीब लग रहा है। अरे तू पी के तो बता कैसा है। नहीं पी रहा भाई। अरे वाह, ताजगी ले भाई, तेरा कॉफी तुम्हें मुबारक। ऐसा कसम से क्या कॉफी बनाया आपने, दिल खुश कर दिया मेरा। गंदी वाली कड़वी हो गई है, गंदी वाली भाई बाहर चल के पियेंगे। मैं पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया, इतनी गंदी वाली कड़वी हो रही है।